नमस्कार साथियों, सी बी बिकल आई टी आई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप आई टी आई कम्प्लीट कर चुके हैं और आई टी आई के बाद अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन मौका मिला है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो अप्रेंटिस करिए, रेलवे से करिए, ठीक है। रेलवे से अगर आप करते हैं तो आपको जब भविष्य में इसकी वैकेंसी आती है तो उसमें दोस्तों आपको बेनिफिट मिलता है, कुछ परसेंट छूट मिलता है, पूरा विस्तार से आपको बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका आई टी आई कम्प्लीट हो चुका है और अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो जो है ईस्टर्न रेलवे का जो है आरआरसी का वैकेंसी आई है अप्रेंटिस का, अगर आप करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं। मैं पूरा प्रोसेस यहां पे दिखा दे रहा हूं। देखिए, यहां पे डेट दिया गया है एप्लीकेशन का, यहां पे 30/9 से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट दिया है यहाँ पे 29/10/2022 को, यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। आगे यहाँ पे डिटेल आप सब देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जो कि यहाँ पे ट्रेड वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। ये है फिटर में कितनी वैकेंसी है, बिल्डर में है, और यहाँ पे जो है मैकेनिक में है कितना है, डीजल मैकेनिक में, मशीनिस्ट में, कारपेंटर में, पेंटर में, यहाँ पे पूरा जो है पोस्ट आप दे सकते हैं, कितने कितने इसमें जो है सीटें हैं। पेंटर का है, इसके बाद यहाँ पे देखिए लाइनमैन का है, ठीक है, और इसके बाद वायरमैन का है, एसी फ्रिज मैकेनिक का है, इलेक्ट्रीशियन का है, और यहाँ पे मोटर जो है मैकेनिक टूल मेंटेनेंस का है, ठीक है। यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे जो है दे सकते हैं 267 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो है देखा जाए तो ये इसका पोस्ट है, टोटल मिला के देखा जाए तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखा जाए तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। ये टोटल मिला के अगर बात करें सीट की तो दोस्तों जो टोटल सीटें हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं, मैं सरकारी रिजल्ट पे आपको दिखा दे रहा हूँ। टोटल जो सीटें हैं यहाँ पे दे सकते हैं, ईस्टर्न रेलवे की जो वैकेंसी है 3115 पोस्ट हैं, इसमें अलग डिवीज़न में जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये आप दे सकते हैं, इसमें अब जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है हाई स्कूल प्लस आई टी आई एनसीबीटी ट्रेड आपका पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है पूरे डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे है कि रेलवे से अप्रेंटिस करने का फ़ायदा क्या है। दोस्तों अगर आपको बता दें कि रेलवे से अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं, कोई भी रेलवे जोन से करते हैं, तो आपको जब रेलवे वैकेंसी आती है तो उसमें आपको जो है उसमें 10% छूट मिलता है, 10 से जो है 5-10% जो है आपको उसमें छूट मिलता है रेलवे में। अब दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आप दूसरी जगह से करते हैं, कहीं दूसरे से, किसी प्राइवेट से करते हैं, किसी दूसरे जो है ब्रांच से करते हैं, और फिर रेलवे का अगर आप जो है फॉर्म भरते हैं रेलवे का, तो उसमें जो है आपको छूट नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करके रेलवे में फिर जॉब के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, बेनिफिट मिलता है आपको, कुछ परसेंट उसमें छूट मिलता है, जिसके जरिए जो है आपका वहाँ पे जो है सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर आप करना चाहते हैं तो जो है आरआरसी रेलवे का जो है ईस्टर्न रेलवे का जो है वैकेंसी आई, आप इसे करना चाहते हैं भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। शुल्क वगैरह दिया है 29 तारीख की लास्ट डेट है 29 अक्टूबर, तो यहाँ पे भरना चाहते हैं भर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, कोई डाउट हो कमेंट करिए, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।